नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक जरूरी जानकारी दूंगा कि अभी रिसेंटली जो है सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अलग अलग फैक्टर्स को लेके आधार कार्ड के रिगार्डिंग कि कहां पे आधार कार्ड हमारा इंपॉर्टेंट है, कहां पे हमारा आधार कार्ड इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसके रिगार्डिंग क्लैरिफिकेशन दिया है। तो अभी जो रिसेंट जजमेंट्स के मुताबिक मैं आपको जो है एक एक चीज बहुत ही ज्यादा सिंपल शब्दों के अंदर बताऊंगा कि कहां पे आपका जो आधार कार्ड आपका इंपॉर्टेंट नहीं है और कहां पे आप बिल्कुल फ्रीली माइंड से क्लियरली तौर पे अथॉरिटी को बोल सकते हो कि भाई साहब हमारा जो है अब सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक आधार कार्ड जो है आपको देना जो है मैंडेटरी नहीं है, बिना आधार कार्ड के भी आप हमारा काम जरूर करोगे, याद रखिएगा। तो इस वीडियो के अंदर मैं सारे के सारे लोगों को जानकारी दूंगा और मैं पहले ही आपको क्लियर करके चल रहा हूं, मैं ये एज्यूम करके चल रहा हूं कि जो ये वीडियो देख रहा है वो एक तरीके से आम नागरिक है और उसको जो है इतनी ज्यादा टेक्निकलिटीज के ऊपर जाने की जरूरत नहीं है। बस सुप्रीम कोर्ट ने क्या अपनी एक स्टेटमेंट बोली है उनके लिए वही चीज एक रेलेवेंट है, तो ये मैं चीज एज्यूम करके चल रहा हूं। तो सबसे पहली बात, सुप्रीम कोर्ट ने जो स्कूल के अंदर बच्चों के एडमिशन होते हैं ना, वहां पर क्लियर शब्दों में बोल दिया है कि अगर किसी भी बच्चे को अपना एडमिशन लेना है किसी भी स्कूल के अंदर, तो वो जो स्कूल है जो एडमिशन अपना कंडक्ट करवा रहा है, तो वो किसी भी बच्चे का एडमिशन रिजेक्ट केवल एक ग्राउंड पे नहीं करेगा कि इस बच्चे के पास अपना आधार कार्ड नहीं है, तो भाई हम इस बच्चे को जो है एडमिशन नहीं देंगे। याद रखिएगा कि यहां पे कोई भी तरह का स्कूल अगर आधार कार्ड का ग्राउंड बना के अगर किसी बच्चे का एडमिशन रिजेक्ट कर रहा है तो वो जो है कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है और ये गलत बात है, ऐसा कोई भी स्कूल नहीं करेगा। पहले अगर हुआ ऐसा तो दैट इज डिफरेंट थिंग, लेकिन अब से ये गाइडलाइंस के मुताबिक जो है यहां पे नहीं किया जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको ये बात पता होगी कि हमारा जो आर्टिकल है 21A हमारे भारत के संविधान के अंदर यहां पे साफ बोला हुआ है कि स्टेट की यहां पे ड्यूटी है कि वो हर किसी बच्चे को जो है फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड कराएंगे, वो कोई एहसान नहीं कर रहे क्योंकि एक तरीके से उनका कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अधिकार दिया हुआ है और यहां पे जो है सरकार के ऊपर जो है ड्यूटी बनाई हुई है डायरेक्टिव प्रिंसिपल के तौर पे भी और यहां पे फंडामेंटल राइट के तौर पे भी। तो 21A हमारा आर्टिकल जो यहां पे इंसर्ट करा गया है। साथ ही में आप लोगों को पता होगा कि जो हमारा आर्टिकल नंबर 51A का एक के पॉइंट है, इसके अंदर भी साफ लिखा हुआ है कि यहां पे बच्चों को 6 साल से लेकर 14 साल के जितने भी बच्चे होते हैं उनको जो है पढ़ाई का अपना एक अधिकार होता है, उनको कोई भी तरह से मना नहीं कर सकते हैं। उनको भाई पढ़ाई कराने के लिए छोटे मोटे ग्राउंड की आधार कार्ड नहीं है तो भैया हम इनको एजुकेशन प्रोवाइड नहीं कराएंगे, ऐसा कोई भी तरह का ग्राउंड नहीं बनाया जा सकता। ये भी एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी के अंदर आता है, याद रखिएगा। तो ये चीज मैंने आपको क्लैरिफाई कर दी है। अब इसके अंदर दूसरा पॉइंट आता है कि अगर कोई भी मोबाइल कंपनी वाले आपको फोन करते हैं कि भाई साहब आपका जो है आधार कार्ड लिंक नहीं है आपके मोबाइल नंबर के साथ में, तो प्लीज आप अपने आधार कार्ड को अपने मोबाइल नंबर के साथ में लिंक करवा लो, तो ऐसे केस के अंदर यहां पे क्लियर तौर पे बोला हुआ है कि ऐसा कराना जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और ये प्रोहिबिटेड बाय द लॉ है। आप अपनी मोबाइल कंपनी को अगर कोई फोन करता है तो आप ये नहीं कि आधार कार्ड लिंक करा दो, हम उनके डायरेक्टली मना कर सकते हो। मोबाइल कंपनी के पास कोई भी तरह की अथॉरिटी नहीं है कि वो जो है आपका आधार कार्ड लिंक कराने के लिए आपको कंपेल करे या आपका मोबाइल नंबर बंद कर दे, एज द केस मे बी। याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट ने यहां पे क्लियर तौर पे बोल दिया कि आपका मोबाइल नंबर लिंक कराना इट इज नॉट मैंडेटरी, इट इज प्रोहिबिटेड एंड इट इज ऑल्सो अनकॉन्स्टिट्यूशनल, याद रखिएगा। तीसरी बात यहां पे क्लियर कर देते हैं कि अगर आपका आधार कार्ड आपके बैंक अकाउंट से लिंक नहीं है तो इसमें कोई भी तरह की दिक्कत नहीं करी जाएगी। क्लियर तौर पर मैं आपको यह बात बोल रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई कर दिया है कि अगर आपका आधार कार्ड आपके मोबाइल आपके बैंक अकाउंट से लिंक नहीं है तो यहां पे कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है। अगर आप कोई भी तरह की गवर्नमेंट सब्सिडरीज अवेल नहीं कर रहे हो, आप सीधा केवल अपना सिंपल सा अपना बैंक अकाउंट खुलवाना चाहते हो तो आप खुलवा सकते हो बिना आधार कार्ड को अपने बैंक अकाउंट के साथ में लिंक कराए बिना। क्लियर तौर पे यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला हुआ है, शर्त एक ही है कि आप अगर गवर्नमेंट सर्विसेज कोई सब्सिडीज अवेल नहीं करना चाहते, नहीं कर रहे हो, तो आप अपना बैंक अकाउंट बिना आधार कार्ड लिंक करे बिना अपना बनवा सकते हो। क्लियर तौर पे हमें बोला है। लेकिन अगर गवर्नमेंट की सब्सिडीज आपको अवेल करनी है देन आपको जो अपना बैंक अकाउंट ओपन करवाने के लिए या सब्सिडीज अवेल करने के लिए आधार कार्ड लिंक करवाना जरूरी है। यार उसी से तो पता लगेगा कि आप भारत के नागरिक हो और आप यहां पे रहते हो, आपका बर्थ यहां हुआ है, आपका आधार कार्ड नंबर ये है, जब ही आपको गवर्नमेंट जो है सर्विसेज सब्सिडीज दे पाएंगे। इसीलिए बैंक अकाउंट लिंक करवाना बैंक अकाउंट के साथ में अपना आधार कार्ड लिंक करवाना जरूरी है, सीधी बात है। अब यहां पे आगे बात करें तो
इसके अंदर सेकंड लास्ट थिंग मैं आपको बताना चाहूंगा, जो सीबीएसई होती है, जो नीट होती है, और जो यूजीसी जो ऑर्गेनाइजेशन से अपने जो एग्जाम्स कंडक्ट करवाती है और जो पूरे एजुकेशन और इंस्टीट्यूशंस को गवर्न करके रखती है, उनके साथ भी आपको आधार कार्ड अपना लिंक कराना मैंडेटरी बिल्कुल भी नहीं है। अगर वो सीबीएसई वाले या नीट वाले या यूजीसी वाले जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बोलते हैं कि नहीं नहीं आपको तो आधार कार्ड लिंक करवाना पड़ेगा, तो ये क्या है, कानून के उल्लंघन करना है, कानून के खिलाफ है। याद रखिएगा, सीबीएसई आपका नीट और यूजीसी के पास अपना आधार कार्ड लिंक कराना मैंडेटरी बिल्कुल भी नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के यहां पे मैंने आपको क्लियर तौर पे बता रखा है। और इसके अंदर मैं बात करूं तो अगर कोई भी प्राइवेट, आखिरी बात है ये, तो अगर कोई भी प्राइवेट कंपनीज होती है या कोई भी प्राइवेट पर्सन होता है वो आपको बोलता है कि भैया अपना आधार कार्ड दिखाओ, अब आप उनको आधार कार्ड अपना दिखाने से मना कर सकते हो। वो बंदा अगर आपका आधार कार्ड केवल किस इसलिए देखना चाहता है, आपका एक्नॉलेजमेंट करने के लिए, अपनी पर्सनल इन्फो करने के लिए, तो आप उस सामने वाले व्यक्ति को यानी कि प्राइवेट कंपनीज को, प्राइवेट जो पर्सन है उसको अपना आधार कार्ड देने से मना भी कर सकते हो। याद रखिएगा, यहां पे आपके ऊपर कोई बंदिश नहीं है, आप बाउंड नहीं हो, आपकी मर्जी है भाई, आपको आधार कार्ड अपनी प्राइवेट कंपनी के अंदर देना है फॉर योर एक्नॉलेजमेंट ऑफ द पर्सनल इन्फॉर्मेशन, देन वेल एंड गुड। अगर आपको लगता है कि नहीं भाई मैं नहीं देना चाहता अपना आधार कार्ड किसी प्राइवेट कंपनी को, प्राइवेट पर्सन को, मेरे को नहीं सेटिस्फैक्टरी लग रहा, तो इट इज डिपेंड अपॉन यू। यहां पे आप कोई भी अपने पार्ट पे गलत नहीं कर रहे हो और कानून का उल्लंघन नहीं कर रहे हो, इतनी सी बात बोल के यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया है। वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको क्लियर तौर पे बोला था कि ये मैं एज्यूम करके चल रहा हूं, ये वीडियो के अंदर एक जो इन्फॉर्मेशन मैंने प्रोवाइड कराई है पांच बातों की, हाँ पांच है लगभग, तो ये जो है वो लोगों के लिए मैंने प्रोवाइड करा रहे हैं जो एक आम नागरिक है, जिनको केवल और केवल इंफॉर्मेशन से मतलब होता है, बिल्कुल जेन्युइन इंफॉर्मेशन से मतलब होता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो बताई गई है, ये जेन्युइन बातें हैं। दूसरी बात, अब बहुत लोगों के मन में आएगा कि सर ये कौन से जजमेंट में बोला है, कौन से केस लॉ के अंदर बोला है, कौन से ईयर के अंदर बोला है, वगैरह वगैरह। देखिए, या इसके लिए आपको मैं जो ये जो हमारा रेशो रहेगा इसके अंदर जो है नॉन टेक्निकल जो पर्सन है मैंने उनके बारे में बता दी। अब जिनको टेक्निकलिटीज जाननी है, तो जो मैंने आपको स्टेटमेंट्स बताई है ना कि स्कूल के अंदर एडमिशन कराने के लिए आधार कार्ड मैंडेटरी नहीं है, तो आपकी यहां पे ड्यूटी बनती है कि आप अपना रिसर्च वर्क करिए, इसके रिगार्डिंग आपको केस लॉज, ईयर सब कुछ प्रोवाइड होगा। और जैसे मैंने आपको बताया, मोबाइल नंबर के साथ में आपको अपना आधार कार्ड लिंक कराना मैंडेटरी नहीं है, इसके साथ बताया बैंक अकाउंट के साथ में आपको आधार कार्ड लिंक कराना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर गवर्नमेंट सर्विसेज अवेल नहीं कर रहे हो तभी यूजीसी, सीबीएसई एंड नेट का जो नीट का जो एग्जाम और इंस्टीट्यूशंस हैं उनके साथ भी आधार कार्ड लिंक कराना जरूरी नहीं है, प्राइवेट पर्सन कंपनीज के साथ में आधार कार्ड लिंक कराना जरूरी नहीं है। अगर आपको ये चीज जाननी है जेन्युइनली, तो उसके लिए भाई आपको टेक्निकल बातों की मैं बात कर रहा हूं, तो उसके लिए आपको रिसर्च वर्क करना पड़ेगा और केस लॉज अपने जानने पड़ेंगे, क्योंकि ये वीडियो का मेरा मेन पर्सपेक्टिव है उन लोगों के लिए जो बिल्कुल आम नागरिक है, जिनको जजमेंट वगैरह से कोई मतलब नहीं है क्योंकि उनको समझ में आएंगे नहीं, तो इसीलिए मैंने आपको सारी इंफॉर्मेशन डिटेल में प्रोवाइड करा दी। अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी है, कहीं ना कहीं आपको ये पांच बातों में से आपके लिए कोई इंपॉर्टेंट बात लगी है, तो प्लीज कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताएगा। और ये पांच बातों को पढ़ने के बाद आप क्या सोचते हो, कौन सा बढ़िया स्टेप सुप्रीम कोर्ट का है आधार कार्ड के रिगार्डिंग इन पांचों में से, वो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, थैंक यू, धन्यवाद।